एंड यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ. इट इज़ ओनली कि आप किस तरह से आर्टिकुलेट कर पाते हैं, या आपके बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे किस तरह से हैंडल कर पाते हैं. बिफोर इंटरव्यू देर इज़ अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, शॉर्ट में कहा जाए तो डैश, जो आपको भरना होता है UPSC की वेबसाइट पे. उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, कहाँ रहते हैं, कहाँ कौन सा आपका बर्थ प्लेस है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपने क्या क्या, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फादर मदर का प्रोफेशन, मतलब आपकी पूरी कुंडली उस डैप में जो होती है आपको फिल करनी होती है. देन दैट गोज टू द UPSC का पैनल एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट यू. और उस डैप में से या कहीं और से भी वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आई शेयर माय एक्सपीरियंस कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था. आई क्विकली रन थ्रू मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी इंटरव्यू की. सो जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई मेड श्योर कि मैं डिस्कशन कर रही हूँ इन ऑर्डर टू इंश्योर, क्योंकि लिख लिख कर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है थोड़े से आपके लेजी हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू पुट थिंग्स इन वर्ड्स. मे बी आप लिख लोगे उस चीज़ को क्योंकि आपने बहुत मेंस के लिए प्रैक्टिस की है, पर उस स्टेज पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपने डेवलप करो. सो डेली मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करती थी, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लिया. अभी उस वक्त पर जब मेरा इंटरव्यू था यूक्रेन वॉर चल रही थी, सो डेली बेसिस पे यूक्रेन वॉर क्या है, क्यों हुई, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते, उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया. और करंट अफेयर में कोई इशू हुआ तो मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ रोज 1 से 2 घंटे डिस्कशन करती थी. मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए मैंने, 7 से 8 इंटरव्यूज़ दिए. दिल्ली में ही मैं रह रही थी उस वक्त और काफ़ी कोचिंग में मैंने जाकर मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे. सो दैट हेल्प मी टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू पुट अक्रॉस माई आइडियाज़, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स बट इन द फ्रंट ऑफ एस्टीम्ड पैनल ऑफ मॉक इंटरव्यूअर्स दैट विल बी फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू फॉर्चुनेट होपफुली इन द फ्यूचर. सो यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस थ्रू मॉक इंटरव्यूज, थ्रू डेली डिस्कशंस विद योर पीयर ग्रुप, सो दैट यू आर एबल टू पुट अक्रॉस योर आइडियाज़ इन अ वेरी रैशनल वे पॉसिबल, इन अ वेरी प्रिसाइज वे पॉसिबल. सो दैट्स वॉट आई डिड फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन. फाइनली 28 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था 2022 में, एंड आई वेंट. वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज थी, डॉक्यूमेंटेशन की, वो सब की, एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. सो आई वेंट देयर, आई सेट, मतलब आई हैड मेड अप माई माइंड कि मैं इस दिन को ऐसे कंसिडर करूँगी कि ये दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है, सो दैट नर्वस ना हो जाऊँ, क्योंकि नर्वस तो हर कोई होता है. फाइनली आपका जो है फेट लिखा जाएगा इस एक तरह से, जो मार्क्स देगी रैंकिंग डिसाइड करेगा आपकी, मेरिट लिस्ट में हो या नहीं में भी वो भी डिसाइड कर सकता है. सो इन दैट सेंस आई मेड इट अ पॉइंट कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है एंड आई विल ट्रीट इट दैट वे. सो आई ट्राई टू इन्जॉय एवरीथिंग. और तब भी कोविड का काफ़ी कुछ चल रहा था, तो उन्होंने मास्क दिया था और वो जो पहनते हैं ना शील्ड, वो दिया था कि आप ये पहन के बैठो. एंड तब तक मुझे नहीं पता था मेरा कौन सा बोर्ड होगा. इंटरव्यू से पहले काफ़ी र्यूमर्स चल रहे थे कि ये वाला बोर्ड बहुत टफ है, ये वाली जो मैम है या ये वाले सर है उनका जो इंटरव्यू बोर्ड है, बोर्ड एज इन पैनल जो है, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट आई ट्राई टू इग्नोर एवरीथिंग. मैंने कहा जो भी पैनल आएगा बस अपना बेस्ट देना है. सो आई गॉट सत्यवती मैम का पैनल, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट हर. सो शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी, बट देन शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो. एंड देर वर अ फ्यू पैनल्स जो आपको कम्फर्टेबल, आई विल सी इज ऑफ रिकॉर्ड, कम्फर्टेबल करते हैं, बट शी वॉज लाइक वेरी टू द पॉइंट के नहीं, कुछ कम्फर्टेबल नहीं, हाँ ये बताओ वो बताओ, मतलब शी डिडंट मेक मी फील कम्फर्टेबल. बट देन मैंने कहा नहीं नहीं मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, मैं अच्छे से ट्रीट करूँगी. सो आई वेंट इन, अ फ्यू क्वेश्चन वर आस्क्ड अबाउट माई सेल्फ. डैट से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन बेस्ड थे. तो मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा था कि आई लाइक कथक. उस वक्त मैं ऑनलाइन क्लासेस ले मतलब सीख रही थी कथक की, तो मैंने अपने हॉबीज़ में कथक लिखा था और रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने लिखा था. नाउ दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड कि किस तरह से अभी से आपको हॉबीज़ भी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि UPSC डजंट वॉन्ट पीपल के वो दिन रात जो पढ़ रहे हैं बस किताबों में ही लगे हुए हैं. सो दैट इज़ वाई एक हॉबी साइड में डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट अगर आप अपने डैफ में आगे जाके लिख रहे हो तो दैट मेक सेंस टू द बोर्ड ऑल्सो. सो आई वॉज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस कथक की, सो आई रोट दैट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक. उसके ऊपर मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए. फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लिया था बैकग्राउंड वर्क अपने डैफ पे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे, सो आई वॉज एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चन. जैसे कथक पे मुझे पूछा गया कि कौन से ऐसे रूलर थे जो कथक प्रमोट करते थे. अनफॉर्चुनेटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कथक की, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाब, कोई अवध के नवाब थे, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था कथक. सो दैट वे अपनी हॉबी भी थोरली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. फिर
बुक्स के ऊपर मैं कुछ सवाल पूछे, फिर मेरा ऑप्शनल जो था इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस हो गया, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए, काफ़ी एरियाज में मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए. तो इन द सेंस के काफ़ी एक्सटेंसिव था जो भी एरिया से क्वेश्चन जो पी एस सी पूछ रहा था, बट मोस्टली इट सर्कल्ड अराउंड माई डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं भी आ रहे थे, तो आई सेड कि आई एम सॉरी आई एम नॉट, सो आई वॉज ऑनेस्ट. यू हैव टू बी ऑनेस्ट इफ यू डोंट नो एनी थिंग एंड नॉट बीट अराउंड द बुशेस, दैट इज़ वॉट दे एक्सपेक्ट. तो एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि आई डोंट नो इट, आई एम सॉरी मैम, आई विल रीड अबाउट इट और थिंग्स लाइक दैट. देन कुछ 35 to 40 मिनट्स चला इंटरव्यू, विच इज़ अ वेरी रीजनेबल टाइम टू गेट इंटरव्यू. एंड देन दे सेड ओके मै दिस यू कैन गो नाउ. सो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस ऑफ माई लाइफ, लाइक नॉट जस्ट बिकॉज कि ये फाइनल स्टेज है यू पी एस सी का, बट ऑल्सो कि एक एस्टीम्ड पैनल आपके सामने बैठा है, उससे इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिल रहा है आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क. सो इट फील्स के हाँ चलो इट पेड ऑफ जो भी हार्ड वर्क किया था. सो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा अच्छा था. एंड इन वन मंथ बाद रिजल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली आई हैड मेड इट टू द लिस्ट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्टेज. कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. पाँच होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा दो, मतलब दैट कैन हैपन, बट इन माई केस सब अलग अलग क्वेश्चन ही पूछ रहे थे. लाइक मतलब मेरा डेफ ऑलरेडी रीड कर लिया था प्रोबेबली, एंड एरियाज डिवाइड कर लिए थे कि इससे ये पूछेंगे, ऑप्शनल से ये पूछ लेंगे, फिर ये हॉबीज से पूछ लेंगे. सो दैट डिपेंड्स कि वो किस तरह से पूछते हैं. That can happen. That depends on the panel you are getting, and also what is their approach of interviewing the candidate. That depends on that completely on that. But it may happen कि वो आपको counter question भी करें. But mostly मुझे counter question नहीं किया था उन्होंने, because बहुत ही generic topics थे जिस पर हमने discussion किया था. And I made sure कि मैं कुछ ऐसी बात ना कर दूँ कि वो मतलब फिर हाँ ये कैसे बोल दिया तुमने, अब इसको समझा. तो वो प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक इंटरव्यूज़ में काफ़ी हद तक हो जाती है, गलतियों से आप सीखते हैं कि हाउ नॉट टू गिव देम अ चांस टू ग्रिल यू. सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस.